गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैसूरू। आज हम मैसूरू में हैं और आज है डे 11 हमारी साउथ इंडिया ट्रिप का। सो अभी हम रेडी हो चुके हैं और ब्रेकफास्ट बट नहीं किया है अभी, बस सुबह चाय पी थी। बट हम अभी निकल रहे हैं मैसूरू पैलेस घूमने के लिए। मैसूरू पैलेस यहाँ से बस 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। हमने होटल भी यही देख के लिया था। सो चलते हैं, रेडी हो चुके हैं, लेट नहीं करते हैं। अभी बज रहे हैं 10:10 बाकी हैं और 10 बजे मैसूरू पैलेस ओपन हो जाता है। तो हम सबसे पहले आज मैसूरू पैलेस विजिट करेंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर आगे का प्लान आपको बताएंगे। सो चलिए, हमारे साथ बने रहिए, चलते हैं मैसूरू पैलेस। You are what I'm looking for. I know what I'm looking for. भीड़ देखिए, मतलब हमने सोचा था कि हम 10 बजे सबसे पहले जा रहे हैं, भीड़ कम होगी तो घूम लेते हैं, बट यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ है। सो हम यहाँ पे आए हैं, देखिए शाम को लाइट एंड साउंड जो होता है उसकी टिकट है 120 रुपीज। सो फ्रेंड्स, अभी हमने यहाँ पे पूछा एक पर्सन से, तो उन्होंने बोला कि जो मैसूरू पैलेस में काफी सारे हमें एंट्रेंस के गेट दिख रहे, जैसे हम उस गेट से एंटर किए थे और एक गेट हमें वहां पे दिख रहा है मेरे फ्रेंड पे, एंड एक मेरे ये पीछे बैक साइड में गेट दिख रहा है। तो ये मेन गेट जो है एंट्रेंस का, वो ये गेट है, मेन गेट है एंट्रेंस का। देन आफ्टर आप देख सकते हैं कि काफी सारे, बहुत बड़ी प्लेस है ये, आपको घूमने के लिए काफी टाइम लेके आना पड़ेगा अगर मैसूरू पैलेस घूम रहे तो। यहाँ से लाइन है देखिए मैसूरू पैलेस में एंट्री करने के लिए, और यहाँ आपको अपने शूज रिमूव करने होंगे। तो हम सारे शूज रिमूव करने फिर चलते हैं अंदर। तो हम ये मैसूरू पैलेस में एंटर कर चुके हैं और ये देखिए, ये आई थिंक पुराने जमाने के रथ हुआ करते थे। ये है स्कॉटिश बैंड विद बैगपाइपर्स। तो अभी हमने बाहर देखा जो प्रैक्टिस हो रही थी वो फोटोग्राफी सेशन की, ऐसी ड्रेस उन लोगों ने वेयर की थी। तो आई थिंक ये वही चीजें हैं जो यहाँ पे दर्शाई गई हैं। दीज आर दरबारेश। तो यहाँ के वॉल्स से आप जितनी भी पेंटिंग देख रहे हो सारी चीड़ी है, तो आप जहां से भी देखो कि आपको लगेगा कि उस साइड ही मूव हो रही है। एंड इसका आर्किटेक्चर इतना ब्रिलियंट है, इतना ब्रिलियंट है, इतना अच्छा है। लिफ्ट अभी नई बनी होगी यार, ये दीदी। अभी हमने पूछा मैम से कि यहाँ के राजा का नाम क्या है, तो उन्होंने बोला जय चामराजवर्मनु। तो काफी लंबा नाम है, तो नाम करने में कोई गलती हुई होगी तो प्लीज फॉरगिव अस। ये चेयर सिल्वर चेयर है और उस चेयर में नीचे ग्लास लगा है थोड़ा सा, और ये बाकी सब पूरी टोटली सिल्वर चेयर है ये वो। तो जो लिफ्ट थी वो अभी हमने आपको दिखाई, वो उसमें थोड़ा सा अल्ट्रेशन किया गया है। पहले लिफ्ट ऐसे से हुआ करती थी, एंड एसी स्टैंड फॉर अल्ट्रेशन करेंट। तो इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था ये पैलेस ना। तो ये दिखाइए कि इसके रख रखाव का काफी ध्यान रखा जाता है।
तो इसके रख रखाव का काफी ध्यान रखा जाता है। देखिए एक एक चीज को अच्छे से क्लीन किया जा रहा है ताकि ये मेंटेन दिखे ये पैलेस। ये मिरर ऐसा लग रहा है जैसे मिरर के अंदर कोई गेट हो। ये दरबार लिफ्ट है, इसको थोड़ा मॉडिफाइड अभी किया गया है, लेकिन पहले पुली वाली जो लिफ्ट थी ये वो हुआ करती थी, अभी इसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज। आई थिंक ये गेट अभी नया बनाया गया होगा, ये पुराना नहीं हुआ। मॉडिफाई करके मशीनरी लिफ्ट बना दी गई है। हाँ पहले तो इसमें भर के मिरर मिलेंगे आपको। व्हाट डू यू मीन? हाँ वैसे भी लड़कियों को मिरर थे। तो ये राजा की प्राइवेट दरबार हॉल है और इसको अभी तक इतने अच्छे से मेंटेन किया गया है, बहुत बड़ी बात है। राजा जी के प्राइवेट दरबार हॉल के सामने ये सिल्वर डोर है, ये पूरी सिल्वर से बनी हुई है, देख सकते हैं। और एक सिल्वर डोर ये भी है सामने, आइलेट है बिल्कुल। है ना, उनके उनके यहाँ आभूषण है जिसमें माथे का हार, गर्दन की घंटिया, पैर की घंटिया, गर्दन की माला, सिंगोटी जोड़ा, चमड़े के पूछ, रंगीन छाते। ये मैसूर के महाराजा। फाइनली पैलेस से बाहर आ चुके, अंदर की चीजें हमने मैक्सिमम आपको दिखा दी। और यहाँ पे बुक स्टॉल है जिसमें आपको अगर डीवीडी लेना है, बुक्स आप खरीद सकते हो यहाँ के बारे में अगर आपको और जानना है तो। सो ये है मेन पैलेस का बाहरी हिस्सा जिसके अंदर अभी हम होके आए और आपको सारी चीजें दिखाएं। अब एक्सप्लोर करते हैं और भी बाहर जो पैलेस है उसे। सो ये है श्री पारसनाथ कृष्ण स्वामी टेम्पल, तो कृष्ण भगवान जी का टेम्पल है ये। सो हमने मंदिर अंदर विजिट किया और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, कृष्ण भगवान के अनेकों रूप के दर्शन हुए हमें। तो ये यहाँ का प्रसाद है और 30 रुपीज का प्रसाद है और चढ़ाया तो आप अलग से नहीं। सो फ्रेंड्स ये लक्ष्मी नारायणी लक्ष्मी रमण स्वामी मंदिर, आई थिंक मतलब वही होता है, बट यहाँ पे लक्ष्मी रमण स्वामी मंदिर बोलते हैं इसको। तो आइए शूज रिमूव करते हैं फिर अंदर चलते हैं। तो हमने ये लक्ष्मी रमण टेम्पल अंदर गए थे और यहाँ के पुजारी जी से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये मंदिर 500 साल पुराना मंदिर है। तो यहाँ पे काफी सारे प्लेसेस हैं जो कि मैसूरू के पास है, पास नहीं एक्चुअली काफी दूर दूर डिस्टेंस पे है, तो अगर आप जाना चाहें तो ये विजिट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैलेस के अंदर काफी सारे शॉप्स भी है एंड साड़ी की शॉप्स है, तो मैसूर की सिल्क की साड़ी काफी फेमस होती है, तो यहाँ पे अंदर काफी यहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ साड़ीज की शॉप है। सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट मैसूर पैलेस, आई होप हमने आपको पूरा पैलेस घुमा दिया और मेन मेन चीजें तो हमने आपको सारी दिखाई। बहुत ही अमेजिंग पैलेस है ये और ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस में आके एक अलग सी ही फीलिंग आती है। तो अगर आप मैसूर आने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले मैसूर पैलेस तो विजिट जरूर कीजिएगा। और अभी वो वाले गेट पे नहीं गए तो शाम को जाएंगे और कोशिश करेंगे कि लाइट एंड साउंड शो जो होता है यहाँ पे वो आपको जरूर दिखाएं। सो फ्रेंड्स नाउ वी आर रेडी, 6 बज रहे हैं और हम लोग अभी आए थे तो सो गए थे, बहुत नींद आ रही थी, बहुत थक चुके थे। तो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम मैसूर में और कहीं नहीं घूम रहे, क्योंकि वैसे तो घूमने के लिए और भी काफ़ी जगह थी बट दूर थी। तो अभी हम निकल रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रीट फूड यहाँ का ट्राई करेंगे और मैसूर पैलेस के बाहर जो लाइट एंड साउंड शो होता है वो हम देखेंगे। सो ये बस देखिए, ये पूरी आपको मैसूरू का राउंड ट्रिप लगाते हैं, 150 रुपीज़ पर पर्सन है, ऊपर वाली छत पे तो बैठ के कितना मजा ही आएगा। तो इस बस का विजिट कराते हैं।
वाली बस में गए और ऊपर बैठ करके फोटो वगैरह क्लिक करके आ गए। एक्चुअली हमें घूमना नहीं था क्योंकि 40 मिनट लेगी, तो यहाँ का लाइट एंड साउंड मिस हो जाएगा। तो फिर हम लोग फिर देखते हैं, अगर रात में जा पाए तो जाएंगे एक ट्रिप के बाद, वो अभी वापस आएगी 40 मिनट्स के बाद। तो अगर हम यहाँ का शो ख़त्म हो गया तो जाएंगे, अदरवाइज फ़ोटो तो क्लिक ही कर ली है। और ये देखिए कितनी लंबी लाइन है अभी भी लाइट एंड साउंड शो के लिए। क्या समझ में आया? क्या इन्हें पता नहीं क्या समझ में आया, पूछती हूँ क्या? क्या अरे बता दो बता दो, क्या समझ में आया? कैमरा अलाउड है? सीरियसली? ये वाला बस। ओ ये वाला ना बस। मैं मुझे लगा गोप्रो। सो ये कैमरा अलाउड है। सो टिकट हमें मिल चुकी है, 4 पर्सन 120 रुपीज़ की टिकट है। और हैप्पी, ये देखिए इस पार्क से आपको देखना होगा पैलेस। मैं थक गई क्योंकि मैं दौड़ के आई हूँ, अमित मुझे बोल गए जल्दी आओ। सो मेरे लिए जगह कैप्चर कर रखे हैं, ये जो सारी चेयर्स हैं ये लोगों के लिए हैं, यहीं से आपको देखने को मिलेगा। सो आगे की जगह मिल गई। The history of the palace of the Mysuru Vadiyars is long, stretching across 530 years. Oh yes, Mahakali, Lakshmi and Saraswati. Our Devi Chamundi is the manifestation of this godly triumvirate. फ्रेंड्स ये देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, आई कांट इवन एक्सप्लेन कि रियल में कैसा लग रहा है। सो मेरे पीछे आप ये मैसूरू पैलेस देख सकते हैं, रात में इतनी अच्छी वीडियो नहीं आ रही है बट इस पैलेस की बहुत अच्छी वीडियो आ रही है फ्रेंड्स। सो जी शो देखने के बाद हम आ चुके हैं, तांगा राइड एंजॉय कर रहे हैं और आप पैलेस से बाहर निकलोगे ऐसे बहुत सारे कलरफुल से तांगे आपको मिल जाएंगे जो कि पैलेस के बाहर का आपको टूर कराएंगे। बट इनको तो पसंद नहीं है इतना बिकॉज ये बहुत एनिमल लवर है तो, बट मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। सो हम आए हुए हैं यहाँ पे, एक वेज रेस्टोरेंट हमें अच्छा मिल गया क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं तो हमें वेज खाना टूर में बहुत मुश्किल होती है हर जगह। कल मैंने जिस रेस्टोरेंट में अपने होटल में खाया था वहाँ पे नॉन वेज भी साथ में बताते हैं तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट अभी फाइनली प्योर वेज रेस्टोरेंट यहाँ पे मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। इस रेस्टोरेंट का नाम है द वेज कोर्ट जो कि हमारे होटल से थोड़ा ही दूर था,
वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो हमने ऑर्डर किया और यहाँ का प्राइस होंगे भी काफ़ी रीजनेबल है। तो हमने ऑर्डर किया एक इंडियन थाली, नॉर्थ इंडियन थाली एंड एक कॉटन सॉस सूप। तो फिर हम तो फूड इंजॉय करते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी। तो गाइस हमने थाली मंगाई, ये देखिए, दो रोटी, गाजर का हलवा, दाल, सैलेड, फ्रूट सैलेड और ये चने की सब्जी और गुलाब जामुन एंड कर्ड राइस एंड ये पनीर की सब्जी एंड ये रायता दही का और ये सैलेड और यहाँ पे मंचूरियन एंड ये राइस और सूप मैं पहले पी गई। तो ये 190 रुपीज़ का कितना अच्छा, मतलब वेरी यम्मी।